देख सकते हैं लेंस के अंदर भी यहाँ पर जो है पानी घुस चुका है। तो गांव में आया हूँ ना, तब से मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। लेकिन मेरे अभी हालचाल थोड़े ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है मेरा जो इंस्टा 360 है वो लास्ट वीडियो में जो है ख़राब हो चुका था, ऑन ही नहीं हो रहा था। आज जाकर ये ऑन भी हुआ है। दो दिन मैंने इसको धूप में सुखा सुखा कर देखा, तब जाकर ये ऑन हुआ है। लेकिन अभी भी जो है मेरे पूरा 40,000 का जो कैमरा है वो ख़राब हुआ ही है। मतलब अब जो इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो और भी बेकार हो चुकी है। पहले जो आती थी थोड़ी बहुत अच्छी वाली, उससे भी बेकार हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल बता देता हूँ, अब मैं यहाँ पर ऑन करके बताता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी क्या आ रही है। मैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ, और ना ही अनस अभी दिख रहा है जो कि वीडियो शूट कर रहा है। तो इतनी बेकार वाली क्वालिटी हो चुकी है और मेरे पूरे 40,000 रुपये डूब चुके हैं। तो इसको रिपेयर करने वाली शॉप भी कहीं पर है नहीं। मतलब इंस्टा 360 को रिपेयर करना जो है इम्पॉसिबल सा रहता है। घर पर करूँ तो फिर अलग बात रहेगी, लेकिन इसका अंदर से जो है लेंस ख़राब हो चुका है, तो अभी इसको घर पर करने का भी कोई चांस नहीं रहता है। तो देखो अभी जो है मेरा इंस्टा 360 वाटरप्रूफ तो है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, शायद ये जो बैटरी वाला सेशन रहता है कुछ इस तरह से लगती है बैटरी, ये हाफ लगा होगा, कुछ इस तरह से लगा होगा। मतलब ये जो रेड वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरी तरीके से लगा नहीं होगा, हल्का सा उठा हुआ रह गया होगा, जिस कारण अंदर तक पानी घुस चुका है और उसके बाद में ये ऑन नहीं हो रहा था। अभी किस्मत से थोड़ा ऑन हो गया है, लेकिन लेंस जो है इसका वो पूरा बेकार हो गया है। देख सकते हैं लेंस के अंदर भी यहाँ पर जो है पानी घुस चुका है, दिख रहा है कितना बेकार वाला हो रखा है, इसीलिए ऐसी क्वालिटी भी दे रहा है ये। अंदर के साइड में जो है पानी जम चुका है, इसको बाहर से क्लीन नहीं किया जा सकता है, इसको पूरा खोलना पड़ेगा। और इसमें खोलने का सिस्टम जो है मुझे नहीं पता कैसे क्या खोलते हैं, तो रिपेयरिंग सेंटर भी इसका रहता नहीं है, तो देखते हैं अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर इसका कोई काम नहीं है भाई, हमारा 40,000 रुपये का कैमरा बिगड़ चुका है। तो गांव में आया हूँ ना, तब से मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मेरा बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम हो गया है, जिस कारण मैं जो है अपने इनलाइन स्केट ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि 125mm के इनलाइन स्केट थे वो ऑर्डर नहीं कर पाया हूँ। और उसके बाद में ये कैमरा भी ख़राब हो चुका है, और भी मेरा स्केट बोर्ड है उसकी भी तार्स वगैरह टूट चुकी थी, तो वो भी अभी इंदौर में है, यहाँ पर रहता तो मैं उसको रिपेयर वगैरह भी कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण थोड़ा दिमाग भी ख़राब चल रहा है, और अभी जो है रेगुलर वीडियो लाने में मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि माइंड कहीं और पर लगा हुआ है मेरा, और वीडियोस वगैरह बनाने में इतना मन नहीं लग रहा अभी। तो गाइस यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने आपको बता दी है, अभी मेरे साथ में चल रही है। मतलब नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, कुछ अच्छा करने जाओ तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जो भी है मैं फेस कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे फिर से ठीक हो जाएगी। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट वाली क्लिप्स जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इंस्टा 360 के साथ में बनाई थी, और अब ये कैमरा कुछ काम का नहीं है मेरा, और अब ये मैं बेच भी नहीं सकता हूँ, कुछ कोई लेगा भी नहीं, लेने के लिए तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि इसका वीडियो क्वालिटी नहीं सही आ रही है। तो जो भी हो, लास्ट वीडियो जो मैंने शूट किया था इसके साथ में, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, जिस कारण ये ख़राब हो गया है। Was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No sorrow. अभी मैं इंस्टा 360 चेक कर रहा हूँ पानी के अंदर, वाटरप्रूफ है कि नहीं। अभी दो जने तैर के जा रहे हैं अंदर के अंदर, क्वालिटी कैसी आई थी देखते हैं।